हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न मिरर। आज हम इस वीडियो में बीम का सेक्शन बनाना सीखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमें जो क्वेश्चन में कुछ कैसे दे दिया होता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमें दे दिया गया कि शुद्ध पार्ट बराबर दे देगा 3.5 मीटर, मतलब क्लियर स्पान। क्लियर स्पान जो हमारा होता है, वाल के बीच का हमारा डिस्टेंस होता है, इसे हम क्लियर स्पान कहते हैं। ठीक है, यहाँ से बीम की चौड़ाई आप जानते हैं, बीम की चौड़ाई दे दिया गया। यहाँ से बीम की संपूर्ण गहराई दे देगा, संपूर्ण गहराई हमारी होती है, चौड़ाई हमारे इसके पीछे जो दिख नहीं रही है। ठीक है, और यहाँ से मैं बीम की संपूर्ण गहराई, फिर आलम की हमें चौड़ाई देती है। आलम की चौड़ाई जो होती है, इसमें हमारा टेक कितना लिया है वाल पे। ठीक है, ये हमारे यहाँ चौड़ाई होगी। यहाँ से मुख्य प्रबलन दे दिया गया, तो मुख्य प्रबलन जो हमारा होता है, यहाँ से देखिए पांच नंबर, मतलब हमारे पांच छड़े लगाई गई हैं, और जो कितने एमएम की, 12 एमएम फाई की हैं, और जिसमें से हमारे दो छड़ों को बेंड कर दिया गया L/7 दूरी पर। ठीक है, यहाँ से इस तरह छड़े हमारे हैं, फिर यहाँ से हमारे उदगर छले हैं, यहाँ से हमारा इफेक्टिव स्पान दे दिया गया। तो देखिए पहले हम इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम स्केल एक मान लेते हैं, यहाँ से 1/25 स्केल मान लेते हैं। ठीक, 1/25 स्केल मान लेते हैं। अब इसे देखिए, हमारे से क्लियर स्पान यहाँ से है 3.5 मीटर। तो पहले क्या करें, 3.5 मीटर क्या, तो अब स्केल में चेंज कर लो डायरेक्ट, या तो अब क्या करो 3.5 मीटर प्लस ये भी वाला, ये वाला ऐड कर लो। तो अगर आप ऐड करो तो आपका आ जाएगा 4.1 मीटर। अब 4.1 मीटर को आप स्केल में चेंज कर लो, तो पहले देखिए यहाँ से मीटर सेंटीमीटर में चेंज करो और 25 से डिवाइड करो, आपको 16.4 सेंटीमीटर। तो 16.4 टोटल यहाँ से आपको डिस्टेंस आ गया। ठीक, तो आप यहाँ से 16.4 की एक रेखा खींच लो, सही है। फिर यहाँ से आपको नीचे करना, ये भी आपको नीचे कर लेना। जैसे देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दिया गया, आपकी बीम की जो संपूर्ण गहराई है वो आपकी 300 mm है, मतलब 300 mm आपको नीचे लाना। तो आपको जो 300 mm आप चेंज करा देगा 1.2, तो आपको 1.2 नीचे लाना। ठीक है, तो कहीं से आप 1.2 एक पॉइंट ले लो, 1.2 आप नीचे आ जाना। फिर एक चीज दे देगा, आपकी जो हमारी बीम है इसमें कितना है, 200 mm आई है, तो मतलब हमारे पीछे कितना यहाँ से बच रहा है, यहाँ से 1.2 दूरी पे। अब इस साइड जो हमारी दूरी कितनी बच रही है, इसमें मान लो 200 हमारा 0.8 हो गया, यहाँ से दूरी मारे आए तो हमारे यहाँ से 4 बच जा रहा है। ठीक है, तो 4 mm पे छोड़ के फिर यहाँ से ऊपर से 1.2, यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से 4 mm लेके फिर इस चीज़ को आगे मिला के यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे चूंकि इधर ऊपर वाला रहेगा, यहाँ से भी 4 mm आगे बढ़ा लेंगे, जैसे 1.2 नीचे ला के इसे हम मिला लेंगे। ठीक, ये बात क्लियर होगी ना, तो इसे इतने कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से जो हमारा कवर होता है, कवर दे देगा 25 mm कवर होता है। ठीक है, 25 mm का चेंज करेंगे हम इसके लिए 1/25 से, तो हमारा आ जाएगा 1 mm। तो 1 mm यहाँ से हम गैप लेते हैं, और यहाँ से जो हमारा कवर दिया गया इसके लिए हमारा 1 mm गैप होता है, तो 1 mm साइड में हम गैप छोड़ेंगे, फिर यहाँ से 1 mm दूरी पर हम ये हमारी रेखाएँ खींच लेंगे। ठीक, ये भी हम यहाँ से खींच लेते हैं, तो दो रेखाएँ खींच लेंगे, इसको आगे थोड़ा सा हमें बेंड कर देना, फ्री एंड बेंड करना। ठीक है, अब यदि ऐसे में जो स्टेप हमारे जो दे देंगे, जो हमारे 6 mm है और 200 हमारे सेंटीमीटर हमारी दूरी पे है। ठीक है, 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे देगा, ये हमारा क्या है, mm में। अब 200 को अगर हम चेंज करेंगे इसके लिए, तो हमारा आ जाएगा 8 mm। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना और 8 mm पे सारे हमारे जो स्ट्रिप है, स्टेप हमारे उसे क्या करना, लगा देना। ठीक है, अब इनके बीच जो हमारी दूरी बचेगी कितना बचेगी, 250, क्यों, चूंकि 25 mm कवर इधर हो गया ऊपर, 25 mm नीचे हमारा कवर हो गया। ठीक, अब नीचे वाल को बढ़ा लेना, चूंकि वाल ज़्यादा बढ़ाने हैं, इसलिए 1.5 सेंटीमीटर आप बढ़ा लीजिएगा नीचे, और यहाँ से सिंबल बना दीजिएगा 1.5 सेंटीमीटर, इसको बढ़ा लीजिएगा, इसका भी सिंबल आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, पूरा टोटल क्लास बन जाएगा। और फिर यहाँ से देख लीजिए, मतलब ये तो हमारे जाए, फिर यहाँ से मैं देखिए मान लीजिए सेक्शन काट लेते हैं एक्सेस का, फिर इसको बनाने के लिए हमें अब क्या करना है, हमारे जो हमारे छड़े डालेगी उनको हमें दिखाने शो करने के लिए, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में यहाँ से दे देगा कि बीम की हमारी संपूर्ण गहराई 300 है और बीम की चौड़ाई हमारी 220 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी चौड़ाई 20 है, उसकी गहराई हमारी 300 हो गई। तो हमारी जो इसको हमें बनाना है, इसके लिए हम अलग से स्केल मान लेते हैं, चूंकि इसके हमारे बड़ा पार्ट दिखा रहे हैं, इसके सेक्शन में कटा है, इसका भी दिखा रहे हैं, इसके लिए 1/10 मान लेते हैं। तो 1/10 से अगर इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, तो 2.2 सेंटीमीटर ऊपर इधर कर लेंगे और 3 सेंटीमीटर हम ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे मिला लेंगे, और जो इसमें भी हमारा देखिए जो कवर रहेगा, जैसे कि यहाँ भी हमारा कवर था, तो इसमें 25 कवर था, 25 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगा 2.5 mm, तो 2.5 mm डिसाइड करके यहाँ से भी हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, अंदर पूरी चीज़ बना लेंगे, फिर यहाँ पर एक पॉइंट कर देना, चूँकि टू से जो टू में मतलब दो बार हमारी थी 10 mm की। ठीक है, एंचोर बार हमारी लगाई गई थी, यहाँ से दो बार हो गए, फिर यहाँ से देखिए हमारे 5 बार लगाई गई थी। ठीक है, और 12 mm फाई की, ये मानी मेन बार थी। ठीक है, जो यहाँ पर हमारी मेन बार लगाई गई थी, तो 12 mm थी, यहाँ से मेन बार करते हैं, यहाँ से हम डेडेस कर देते हैं, यहाँ से बेंड अप बार हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका, और एक चीज़ देखिए आपको, यहाँ से आपको ये चीज़ हमारी बेंड कर गई है, यहाँ से देखिए आपको क्या छड़े कुछ हमारे जो यहाँ से दी गई थी बेंड करने के लिए, ये हमारा L/7 दूरी पे होता है। L क्या होता है, यहाँ से क्लियर स्पान होता है, और क्लियर स्पान जैसे देखिए यहाँ से जो हमारे सपोर्ट है, सपोर्ट का क्या होता है, आधा लेते हैं, तो यहाँ से ये 100 ले लेंगे, यहाँ से भी 100 ले लेंगे, टोटल अगर 3.75 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, जितना आएगा फिर उसको स्केल में चेंज करके यहाँ से हम दूरी ले लेंगे, हमारी जो दूरी आएगी 2.1 आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ पे MD सेट करेंगे, यहाँ से हम 2.1 आगे करके यहाँ से 45 एंगल ले लेंगे, हम 45 एंगल लेके यहाँ से मिला लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी 2.1 यहाँ से करके यहाँ से 45 एंगल ले लेंगे, फिर इसे मिला लेंगे।
इस प्रकार से टोटल आपका बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।